हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे रूबिक क्यूब 3x3x3। रूबिक क्यूब बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे कि इनके साइड्स को क्या कहते हैं। जैसे कि जो आपको दिख रहा है उसका, अगर ये वाली साइड है तो ये राइट साइड, ये वाली साइड है तो ये लेफ्ट साइड, ये वाली साइड है तो ये अपर साइड, ये वाली साइड है तो ये डाउन साइड, ये वाली साइड है तो ये फ्रंट साइड, और ये वाली साइड है तो ये बैक साइड। जो जो मैंने बताई है उसके जो स्टेप्स लिखे जाते हैं उनके पहले अक्षर से लिखे जाते हैं। जैसे कि ये आर साइड है तो इसका पहला अक्षर है आर, और ये एल लेफ्ट साइड है तो इसका पहला अक्षर है एल। और अगर हम सिंगल आर लिखा हुआ है और तो उसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, और अगर आर के आगे सिंगल कोट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही सेम लेफ्ट के लिए, सेम अपर के लिए, सेम डाउन के लिए, सेम फ्रंट के लिए, और सेम बैक के लिए। तो हम आपको सिंबल दिखा देंगे कि कैसे क्या काम कर रहा है। जैसे आर को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज के लिए ये सिंबल होगा, और अगर आर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये सिंबल होगा। ऐसे ही लेफ्ट को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लेफ्ट के लिए ये सिंबल होगा, अगर हम लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये सिंबल होगा। अरे, आपको समझना है कि क्लॉकवाइज किस साइड घुमाना है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस साइड घुमाना है, तो उस साइड पर जाइए। जैसे कि राइट साइड है तो राइट साइड पर जाइए, उसका क्लॉकवाइज देखिए, उस साइड क्लॉकवाइज घुमाना है, उसका एंटी क्लॉकवाइज देखिए, उस साइड एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है। तो राइट साइड का तो देखना आसान है, अगर अपर का देखना है तो अपर का क्लॉकवाइज ये होगा और एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। और अगर डाउन का देखना है, जैसे डाउन तो हमें दिख ही नहीं रहा फेस, तो ऐसे ही पकड़े पकड़े डाउन की साइड जाइए, और डाउन का क्लॉकवाइज ये होगा और एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। एज सिंपल एज दैट। अब बात करेंगे इनके ब्लॉक्स की। तीन तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, कॉर्नर्स, मिडल ब्लॉक और सेंटर। कॉर्नर्स की हमेशा तीन साइड होती है, एक दो तीन। मिडल की हमेशा दो साइड होती है, एक दो। और सेंटर हमेशा एक साइड के साथ होता है। सेंटर होते हैं छः, एक दो तीन चार पाँच छः। कॉर्नर्स होते हैं आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। और मिडल वाले होते हैं बारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो जब आपको सिखाएंगे तो इसी नाम से प्रोनाउंस करके आपको सिखाएंगे। क्यूब बनाने के होते हैं, जो सिंपल बिगनर क्यूब बनाना है आपको, उसके होते हैं सिर्फ पांच स्टेप। तो पहला स्टेप होता है क्रॉस, जिसमें हमें क्रॉस का साइन बनाना होता है ऊपर, और ये जो मिडल वाले हैं वो मैच होने चाहिए उसके कलर के साथ। और सेकंड स्टेप होता है फर्स्ट लेयर, जिसमें क्रॉस के साथ हम ये चार कॉर्नर्स लगाते हैं। थर्ड स्टेप होता है सेकेंड लेयर, यानी कि मिडल लेयर, जो कि हमारा तीसरा स्टेप है, और उसको हम उल्टा करके भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा स्टेप, अपर लेयर। उसके बाद आता है फाइनल स्टेप, यानी कि लास्ट लेयर, जो कि ये फाइनल लेयर होती है हमारी। और इसी के साथ हमारा क्यूब बन जाता है।